जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल जिला बदर माफिया सुधीर सिंह को पुलिस ने बुधवार की देर शाम पिस्टल, कारतूस, मैगजीन के साथ गिरफ्तार कर लिया है तथा गुरुवार को अपराधी सुधीर सिंह पर आर्म्स एक्ट और हत्या की नियत में केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार माफिया सुधीर सिंह बुधवार को अमटौरा गांव में किसी दावत में पहुंचा था। वहां हाथ में पिस्टल लहराते हुए लोगों को धमकी दे रहा था। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी करते हुए माफिया को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच माफिया सुधीर सिंह ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग की, लेकिन पुलिस टीम बच गई। गीडा थाना के प्रभारी निरीक्षक डीडी मिश्रा ने माफिया को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट और जान से मारने की नियत की धारा में केस दर्ज किया है। गौरतलब है कि माफिया सुधीर सिंह पर पहले से ही लखनऊ सहित गोरखपुर जिले के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, गुंडा एक्ट सहित दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। दिसंबर 2020 में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जिला बदर किया गया था। सुधीर सिंह पर हत्या, हत्या के प्रयास सहित 35 मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद माफिया सुधीर सिंह अक्सर जिले में विभिन्न गतिविधियों में लिप्त था। अभी बीते 27 मई को सुधीर सिंह अपने चाचा टप्पू सिंह की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए सहजनवा पहुंचा था। इस दौरान पुलिस जिला बदर अपराधी के गोरखपुर में होने की सूचना पर अरेस्ट करने पहुंची, लेकिन माफिया के पास स्टे ऑर्डर होने की वजह से पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई थी। हालांकि उसकी दो लग्जरी फॉर्च्यूनर गाड़ी को जब्त कर कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा, देखिए गोरखपुर जनपद की टॉप 10 माफिया में सुधीर सिंह का नाम है, जिनके खिलाफ लगभग 35 मुकदमे हैं। ये पहले भी थाना रामगढ़ताल से पुलिस मुठभेड़ में वांटेड थे। कुछ दिन पहले इनको पकड़ने के लिए प्रयास किया गया था, पुलिस पार्टी पे फायरिंग करके भाग गए थे। फिर अभी जो कल रात फिर गीड़ा पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। ये गीड़ा थाने की गिरफ्तारी के बाद ये इनका रिमांड रामगढ़ताल का भी लिया जाएगा, तो इनको हिरासत न्यायिक हिरासत है तो भेजा जा रहा है। पहले भी इनके खिलाफ काफ़ी प्रॉपर्टीज़ का जो गैंगस्टर के तहत 14 की कार्रवाई में सीज हुई है। अभी रिसेंटली इसकी लगभग 80 लाख कीमत की दो लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई है। इनकी खाते का कंगाल रहे हैं, इनके खाते से जुड़े हुए सभी मोबाइल नंबर्स और सभी को हम लोग जो है कंगाल रहे हैं और इनके अवैध संपत्ति का भी जांच करवा रहे हैं। सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनसे अवैध असला भी बरामद हुआ है।